सो हे गाइज, माई नेम इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो गाइज, आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना साइज मेजर कर सकते हैं, जो कि आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन क्लोथ्स की शॉपिंग करते समय। तो बेसिकली ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। तो आपका बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, कभी ना कभी तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप चला रहे होंगे इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फेसबुक या यूट्यूब, उनके टाइम पे आपको एक सजेशन आता है, कोई आपको जैकेट दिखती है वहाँ पे या कोई आपको पैंट दिखती है तो आपको बहुत पसंद आती है। लेकिन आप जब उसे लेने जाते हैं, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू जब आप उसे लेने जाते हैं, तो आप वहाँ पे साइज़ देखते होंगे। अब साइज़ को लेके सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही होता है, अगर हमने जो ये प्रोडक्ट है ये मंगा लिया तो ये प्रोडक्ट हमारा बड़ा आ सकता है या ये हमारा बहुत ही स्मॉल आ सकता है, जो कि हमें फिट नहीं होगा। तो ये जो माइंडसेट है, ये 50% लोगों के मन में होता है और वो इसी चक्कर में ऑनलाइन क्लोथ की शॉपिंग नहीं करते। बेसिकली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो गाइज, इस चीज का मैं सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं और मैं आपके लिए बहुत ही इजी वे से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे खुद को मेजर कर सकते हैं और कैसे आप बिल्कुल परफेक्ट साइज के जो क्लोथ्स है वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही इजी वे होने वाला है और मैं आपको इसके अंदर बहुत सारी जो टिप्स है वो भी देने वाला हूं, जिससे कि आपको इन फ्यूचर शॉपिंग अगर आप कर रहे हैं ऑनलाइन तो आपको इसमें बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। तो जो सबसे हमारा पहला मेन है वो है हमारा चेस्ट। आपको चेस्ट मेजर करना आना चाहिए, उसके बाद शोल्डर, फिर वेस्ट, फिर हिप्स। और अगर आप मंगा रहे हैं शर्ट वगैरह मंगा रहे हैं अगर आप, तो उसमें आपको जो लेंथ है वो भी आपको मेजर करनी आनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो चार या पांच आप पॉइंट देख रहे हैं, आपको इनको ही मेजर करना है, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना। अब उसके बाद हम सीधा जाते हैं कि आपको जो मेजर करना है वो कैसे करना है। तो गाइस, जब खुद को मेजर करते हैं तो उसके लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चाहिए, तो वो है हमारा ये मेजरिंग टेप। तो ये कुछ हमारा ऐसा मेजरिंग टेप होता है जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं इंचेस और जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं सेंटीमीटर। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा मेजरिंग टेप है, आप इसको कैसे यूज करके अपना जो साइज है वो पता कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो आपको एक बात का ध्यान रखना है वो है, आपको जो अगर आपने किसी भी तरह की लेयरिंग वगैरह की हुई है, यानी कि आपने किसी भी तरह की जैकेट वगैरह पहनी हुई है, तो आप उसे उतार दीजिए और आप ओनली टी शर्ट या शर्ट में ही अपना जो मेजरमेंट है वो लेना है। तो गाइस, अब जो जैकेट है वो मैंने निकाल दिया, तो अब बारी आई है मेजरमेंट की। तो मैं आपको जो ये मेजरिंग टेप है इसके बारे में कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेंटीमीटर्स मिल जाएंगे, जो आपको यहाँ पे CMS लिखा हुआ है, यानी कि सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आप इसके थ्रू भी मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसको रिवर्स करें तो यहाँ पे आपको इंचेस मिल जाएंगे, जो आप ये इंचेस देख रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो हम मेजर करेंगे वो करेंगे अपनी चेस्ट, बिकॉज चेस्ट के थ्रू आप जैकेट है या हुडीज है वो ऑर्डर कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये सेंटीमीटर वाली साइड है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे फुल बॉडी लेना है और ऐसे बैक आना है और उसके बाद ऐसे आके आपको यहाँ पे मैच कर लेना है। तो यहाँ पे आपको 107 जो सेंटीमीटर है वो आपको मिल रहा होगा, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए, आप इसको बिल्कुल फिट मत कीजिए या आप बिल्कुल टाइट मत कीजिए, वरना होगा क्या, जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो भी ऐसा ही आएगा। तो आपको लूज करना है जो भी आपको सही लगे, जैसे कि अगर मैं ये साइज मान के चलिए ले लेता हूँ, आप अपने जो चार्ट है उसके अंदर जाके चेक कर लीजिए जो आपको साइड में आ रहा होगा, तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है। तो अब बात करते हैं अगर हमें इंचेस के अंदर नापना है, यानी कि अगर हमें इसमें नापना है तो हमें कैसे उसको मेजर करना पड़ेगा। तो बेसिकली वन ये है, तो हम इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, फुल बॉडी लेंगे और यहाँ से ऐसे जाने के बाद इसको ऐसे मेजर कर लेंगे। तो उसके बाद आप वही सेम है, आपने इसके इंचेस नोट करने हैं, नोट करने के बाद आप साइज चार्ट में देखना है, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपका जो साइज है वो कौन सा है। तो गाइस, जो हमारा चेस्ट था वो हमने मेजर कर लिया है। उसके बाद जो हमारी जो सेकंड बारी आती है वो आती है हमारी शोल्डर। तो गाइस, जो हमारा शोल्डर है वो भी मेन है। तो गाइस, इसके लिए आप चाहे तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाता है और आपको एक परफेक्ट जो साइज है आपको पता लग जाएगा। और जो हमें शोल्डर है वो कैसे मेजर करना है, तो उसके लिए आप अगर आप ये टी शर्ट वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो लाइन है ये दिख रही होगी, तो आपको यहाँ से मैं मेजर करना है। तो आप ऐसे जाइए और इसको वन टाइम यहाँ पे लगाना है और सेकेंड टाइम यहाँ पे लगाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे कुछ। तो अगर आप किसी की हेल्प लेंगे तो उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज एक परफेक्ट साइज आपको पता लग जाता है। तो मैं एक अंदाजे से अगर आपको बताऊं तो मान के चलिए मुझे इतना आ रहा है, 21 आता है। तो ऐसे आप अपने जो साइज चार्ट है उसके अंदर देखना है कौन से कॉलम पे है, उसके बाद आप जो साइज है वो आपको पता लग जाएगा। तो जो ये हमारा जो सेकेंड था
वो था हमारा शोल्डर, यानी कि हमारा चेस्ट और शोल्डर दोनों हो चुके हैं। जो ये शोल्डर और चेस्ट है हमारे काम आते हैं, अगर हमें हुडीज लेनी है, जैकेट लेनी है, ट्रैक सूट लेने हैं या किसी भी तरह की मतलब टॉप वेयर लेना है तो उसके अंदर ये कंपलसरी होता है। और गाइज अब जो हमारी बारी आती है वो आती है हमारी वेस्ट की, बिकॉज वेस्ट को भी मेजर करना आना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है वो होती है, तो मैं आपको वही कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। तो आपको करना क्या होगा, सेम उसकी तरह ही मेजर करना है जैसे हमने पहले किया। आपको और ओवल द बॉडी लेना है इसको, और उसके बाद आपका जो बैली बटन होता है या जिसे हम नाभि बोलते हैं हिंदी में, आपको ऐसे लेना है। और उसके बाद आपको जितना भी लूज या टाइट करना है वो आप देख सकते हैं आपको कितना लूज पहनना है। तो गाइज अब जो हमारी बारी आती है वो होती है फोर्थ पॉइंट की, जो है हमारे हिप्स, तो हमें उसको मेजर करना है। ये हमारे काम में आते हैं कि अगर आप मंगा रहे हैं ट्रैक सूट मंगा रहे हैं, अगर आप जीन्स वगैरह मंगा रहे हैं, तो वो इसके अंदर काम आता है। तो बेसिकली अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे उसे मेजर कर सकते हैं। तो आपको सेम ऐसे ही करना है, आपको इंचेस वाली जो साइड है वो लेनी है। उसके बाद ऑल ओवर द बैक जाएंगे हम, और ऐसे जाने के बाद उसको ऐसे मेजर कर लेंगे, यानी कि बिल्कुल ऐसे जैसे हमने वेस्ट को मेजर किया था। तो थोड़ा गाइस लूज रखना जितना भी आपको चाहिए। उसके बाद जो आपका हिप्स का जो मेजरमेंट है वो हो चुकी है। और अगर आप मंगा रहे हैं शर्ट, तो आपको शर्ट के अंदर लेंथ भी आना चाहिए मेजरमेंट करना, तो लेंथ भी सेम है। आपको करना क्या होगा, आपको इंचेस वाली साइड लेनी है, यानी कि ये वाली साइड, और आपको जो ये आपकी यहाँ से आप देख रहे होंगे, तो आपको यहाँ से ऐसे मैच करना है और नीचे हाथ तक ले जाना है। और गाइस आपको जितनी भी लेंथ चाहिए आप देख सकते हैं आपको कितनी चाहिए, तो आप उसे साइड चार्ट के अंदर जाके देख सकते हैं कि वो आपका परफेक्ट है या नहीं है। तो गाइस जो अब हमारी मेजरमेंट थी वो हो चुकी है, और आप साइज चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं जो आपका साइज है वो आपको कौन सा है परफेक्ट फिट होगा जो। और उसके बाद आप जो अपना प्रोडक्ट है वो ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, जो भी आपको मंगाना है। और गाइस मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे कलर फैक्ट्री से वो डबल एक्सल साइज के किए थे, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे जो कमेंट्स है वो आए थे कि आपका जो साइज है वो क्या मंगाया आपने, तो मैंने मंगाया था डबल एक्सल, तो आपको जानना था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारे जो आपके डाउट्स वगैरह थे होपफुली वो सारे क्लियर कर दिए हूँ, और जो टिप्स वगैरह थी वो भी मैंने आपको दे दी है। तो होपफुली गाइज ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे होता क्या है कि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। तो गाइज अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज है या सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही, और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।